रतन जैन जी, दीपक डोबरियाल जी, हिमानी सूपुरी जी, वरुण बड़ोला जी, शशि जी जिन्होंने, शशि जी और कुकरेती जी जिन्होंने आज इस बहुत ही कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस में इस मिलन का, मैं कहूं कि आप सब लोगों से मिलने के लिए ये संयोजन किया, मैं दोनों का आभारी भी हूं कि कम समय में और उन सभी विशेष हस्तियों से, जितेन जी बैठे हैं, अग्निहोत्री जी बैठे हैं, ऐसे अनेकों लोग, रमेश जी से लेकर, जिनको हम लोग सिनेमा के पर्दे में देखते थे। और जितेन जी को तो देखकर मैं वैसे ही बहुत खुश हो गया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो इनको हम लोग कहते थे सदाबहार हीरो है। इनकी सब फिल्में जो है हिट होती थी उस समय। और चूँकि अब तो खैर बहुत कम सिनेमा में जाकर मैं देख पाता हूँ या इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन बचपन में मैं बहुत फिल्में देखता था और बड़ा समय चुरा चुरा के देखते थे। तो आज आप सबका, मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग आज यहाँ पर पधारे हैं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से फिल्म जगत के, वेब सीरीज के, OTT प्लेटफॉर्म और टेलीविज़न से भी जो महानुभाव जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे श्री बंसीधर तिवारी जी, इन्होंने बहुत कम समय में, अभी बहुत ज़्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं कर पाए क्योंकि समय कम था, लेकिन इन्होंने फिर भी सागर में, वो गागर में सागर भरने का काम आप सबके समक्ष किया है। मुझे खुशी है कि फिल्म जगत सहित वेब सीरीज और टेलीविज़न से जो प्रमुख प्रमुख लोग हैं, उन सभी से आज यहाँ पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसमें से उत्तराखंड आए होंगे या उत्तराखंड के बारे में जिन्होंने सुना होगा, तो उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है। और देवभूमि इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ चार धाम हैं, चारों धाम, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऋषिकेश हरिद्वार से लेकर अनेकों स्थान, और अभी अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आदि कैलाश गए थे, जॉलीकॉन्ग जो लगभग 18,000 फुट से भी अधिक हाइट पर है, और वहाँ पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड एक बहुत ही ऐसा स्थान है जिसको कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का निवास इस स्थान पर है। और जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, इन्होंने अभी आपको थोड़े से डेस्टिनेशन दिखाए यहाँ पर, ये कितने होंगे, 10-5 जितेन जी, 10 डेस्टिनेशन दिखा दिए कि नैनीताल इन्होंने नहीं बोला अभी, हाँ इसमें नैनीताल नहीं बोला आपने, मुक्तेश्वर नहीं बोला, कौसानी नहीं बोला, मुंशहरी नहीं बोला, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, चक्राता, औली, चौपता, ये ऐसे स्थान हम अभी वो कह रहे हैं जहाँ पर अभी तक लोग आते हैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अग्निहोत्री जी तो वहाँ बहुत दिनों रहे, इन्होंने तो पूरा, अच्छा होता कि थोड़ा इनके अनुभव भी ले लेते हम लोग, जिन लोगों ने वहाँ पर काम किया है उनको कैसा लगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बोलने के बाद अगर 5 मिनट आप भी बता देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा होगा कि आप बता देंगे सब लोगों को। तो आप, चूँकि जो लोग काम कर चुके होते हैं, अब मैं बोलूँ, बंसीधर जी बोले या कोई और बोले, तो ऐसा लगेगा कि हम जो है कुछ कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो लगेगा कि ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है। तो उत्तराखंड में जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इतने सारे डेस्टिनेशन है कि जिधर जाइए आप उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, आपकी जिधर नजर चली जाएगी उधर डेस्टिनेशन है। देखिए, पर्वतों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है,
हिम की चोटियों से आच्छादित है, ग्लेशियर हैं, जगह जगह झरने हैं, और 71% पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट है, पूरे राज्य का 71%, और 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर, गोमती, सरयू, शारदा, महाकाली, अनेकों नदियां जो पूरे देश दुनिया को जहां स्वच्छ जल देने का काम करती है, वहीं पूरे प्रकृति को, जहां तक भी उस प्रकृति की जोर जाती है, वहां तक सब कुछ शुद्ध हवा देने का काम भी वहां से होता है। अभी यहां हम लोग आते हैं, जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं तो एक दिन में दो दिन में गला पकड़ लेता है, वहां का आप लोग नापेंगे तो देखेगा, हरिद्वार का, देहरादून का, या हमारे वहां का एयर जो क्वालिटी है, एयर इंडेक्स, वो आपको दिखेगा तो उसका अंतर साफ साफ दिखाई देगा। तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड, और मुझे खुशी है कि इस सालों में बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर फिल्म का निर्माण भी बढ़ा है, शूटिंग भी बढ़ी है, वेब सीरीज बनाने वाले भी आए हैं, टेलीविजन के जो सीरियल हैं वो भी बनाने वाले आए हैं, OTT वाले आए हैं, और बहुत लोगों ने हमको अपने प्रस्ताव भी दिए हैं कि हम इसमें काम करना चाहते हैं। यह है कि हमारा राज्य एक नया राज्य है, एक युवा राज्य है। अग्निहोत्री जी, अब 23वें साल में हमारा राज्य प्रवेश कर रहा है, 23 साल का राज्य है, 23 साल का युवा राज्य, तो हमारे सामने बहुत चुनौतियां भी हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहले के समय में मुझे याद है अच्छी तरह से कि फिल्म की शूटिंगें कश्मीर में होती थी या हिमाचल में होती थी, अनेक दूसरे राज्यों में ज़्यादा होती थी, लेकिन इन सालों में आप खुद ही देख रहे होंगे 170, 190, 180 ऐसी फिल्में लगातार 2-3 सालों में बनी हैं, और जिस प्रकार से आज हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, और मेरा आप सबके बीच में आने का हेतु भी है कि न तो डेस्टिनेशन की कमी है, न हमारे पास रहने की कमी है, अब अच्छे अच्छे होटल भी बन रहे हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं, और मुंबई से तो जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है वहाँ पर। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पंतनगर के लिए भी, अगर नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी या उससे आगे कहीं आपको शूटिंग करनी है तो वहाँ के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट हो। देहरादून, हरिद्वार के लिए तो लगातार फ्लाइट है, लगातार, बल्कि फ्लाइट भी इतनी बिजी है कि आज हमारे साथ सब लोगों को वापस जाना था तो कई लोगों को आज के टिकट ही नहीं मिल पाए अभी, तो अभी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर देहरादून जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली से भी हमारा जो पूरा उत्तराखंड है वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो आने वाले समय में दिल्ली से 2 से 2.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, तो 2 घंटे का सफ़र होगा देहरादून से दिल्ली का, इतने कम समय में आप वहाँ से पहुँच जाएंगे। और ये मान के चलिए कि जो NCR रीजन है, उस NCR रीजन का एक हिस्सा आप उत्तराखंड का ये पूरा हिस्सा मान लीजिए देहरादून के आसपास का। उसके अलावा आपको जिम कॉर्बेट जाना हो, नैनीताल जाना हो, या उसके आसपास मुक्तेश्वर जाना हो, ये भी 4-5 घंटे की ड्राइव पर है। वैसे हम अब पंतनगर का एयरपोर्ट चलाने वाले, तो उसके चल जाने के बाद आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा जहाँ देहरादून में आज दिन भर में 35-36 से ज़्यादा 40 के लगभग सभी देश के बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट सेवा है, और आने वाले समय में हम पंतनगर का जो एयरपोर्ट है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं, उस पर हमारा तेजी से काम चल रहा है, तो ये काम हमारा हो जाएगा। रेल सेवाएं लगातार चल रही, रेल सेवाएं सब जगह से हैं, तो इस नाते बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड राज्य है, उस उत्तराखंड राज्य से एक विशेष उनका प्रेम है, एक विशेष जुड़ाव है, और उसके कारण से
आज उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे चारों धामों में जाने के लिए ऑल वेदर रोडें बन गई हैं, और उन ऑल वेदर रोडों के कारण से हमारे यहां पर इस सीजन में आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि साहब वहां आपदा आ रही है, वहां लैंडस्लाइड हो रहा है, वहां ज़मीन धस गई है, या बर्फबारी हो गई है वहां। कुछ लोग अब वो मीडिया में, हमारे मीडिया के भाई भी बहुत हैं यहाँ पर, मैं उन्होंने ऐसा सब जगह उस समय ऐसी बात हो गई कि मुझे ही लोग पूछ रहे थे, अरे भाई एक मुख्यमंत्री जी मेरे साथ ही मेरे से पूछने लगे एक कार्यक्रम में कि अरे वो तो जोशी मठ में तो पूरा का पूरा लगता है कि सब धस गया। अर्चना जी, हिमानी जी तो आती रहती हैं, वो पीछे बैठी हैं, तो वो बोले कि पूरा धस गया जी वहाँ। तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं धसा, आप आइए तो वहाँ। और आपको बताऊं कि जब अच्छा रहता था तब हमारी यात्रा होती थी 20 लाख की 25 लाख की, और इस बार धस गया सब खत्म हो गया तो अभी तक 56 लाख लोग आ गए आज तक, 56 लाख लोग। और कई बार तो आपको बताऊं कि हमको मुझे मीडिया वाले भाइयों का सहयोग लेकर मीडिया में उनसे अपील करनी पड़ती है लोगों से कि अभी मौसम खराब है, मौसम विभाग कह रहा है कि मौसम खराब है, इसलिए आप जब तक मौसम विभाग न कहे कि मौसम ठीक होने वाला है तब तक आप यात्रा करिए। तो इतना आकर्षण लोगों का बड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सड़कें बन गई हैं। पहले के समय में जो आए होंगे बहुत सारे, आज मैं प्रातःकाल यहाँ नरीमन पॉइंट से लेकर उसके आसपास 4-5 किलोमीटर की पैदल सैर पर चला गया सवेरे प्रातःकाल 6:30 बजे, तो बहुत लोग मिले मुझे। तो कुछ लोग बोले कि हम तो हर साल उत्तराखंड आते हैं, हर साल आते हैं। मैंने कहा अब आपने आधा उत्तराखंड देखा है, अभी तक आप ये केवल आसपास जाते हैं, हरिद्वार देहरादून मसूरी नैनीताल तक जाते हैं, आप उससे आगे का भी देखिए। जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे 12 अक्टूबर को, पूरी दुनिया ने वो स्थान देखा था, अब वहाँ तक जाने वालों के लिए भी अब अभी से वहाँ पर लोगों की बुकिंग आने लगी है कि हम वहाँ भी जाना चाहते हैं, यहाँ भी जाना चाहते हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, और जैसा इन्होंने बंसीधर जी ने बताया अभी कि कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ शांति है, आबो हवा शांत है। और जहाँ मैं आप सबके बीच में आया हूँ, इसको कहते हैं आर्थिक जगत की राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल, तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तराखंड, मेरा उत्तराखंड, वो इकोलॉजी कैपिटल भी है और स्पिरिचुअल कैपिटल भी है, केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, जहाँ लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए, शांति के लिए आते हैं। और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जो शांति की खोज में आज वहाँ आ रही है। मैं अभी अबू धाबी गया, तो अबू धाबी के वहाँ के उन शेख से जब मैं मिलने गया तो शेख बोले आइए आइए, मैं वेलकम कर रहा हूँ आपका, आप भारत के उस राज्य से हैं जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार की सोच लोगों में और इस प्रकार का मानना आज देश दुनिया के अंदर हो रहा है। और मैं समझता हूँ जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ तो आप लोग भी, सभी लोग, एक तो जो लोग अब हाल के दिनों में उत्तराखंड नहीं आए हैं वो उत्तराखंड जरूर आइए, एक बार उत्तराखंड आइए, आप विजिट करिए। और 8 और 9 दिसंबर को हम एक बड़ी इन्वेस्टर ग्लोबल सम्मिट कर रहे हैं, उस सम्मिट में आप लोगों को मैं निमंत्रण करने भी आया हूँ, इनवाइट करने आया हूँ कि आप आइए वहाँ एक बार, देखिए घूमिए, और इस दिशा में ज़रूर सोचिए। जो यहाँ से अभी हमारे सूचना विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, और इसके साथ साथ ये भी हमारा आप सबके बीच में आने का उद्देश्य है। इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए हैं उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन आप सबके सुझाव भी अगर हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम उन सुझावों पर भी बात करेंगे। हम निवेशकों के बीच में, मैं लंदन में गया हूँ, बर्मिंगम में गया, अबू धाबी, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, अनेक शहरों में गया हूँ, और बहुत सारे
उन समूह में से इंडस्ट्री के लीडर हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बहुत सुझाव दिए थे और हमने बहुत सारे नई पॉलिसीज भी बनाई हैं। उसमें से हम फिल्म पॉलिसी भी अब नए तरीके से बना रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ काम करने की ज़रूरत है, हम और कोई सुविधा दे सकते हैं और किस प्रकार से हम आपके लिए सुविधाजनक अपनी पॉलिसी बना सकते हैं जिससे कि आसानी हो, जिससे काम करने में आसानी हो, आने जाने में आसानी हो। और वैसे तो परमिशन इत्यादि की हमने सब में ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। ऑनलाइन कोई हमारे यहाँ अगर फिल्म बनाना चाहता है, ऑनलाइन अपना वो भेज देगा तो ऑनलाइन ही उसको जो है हम परमिशन दे देंगे, ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। ऐसे अनेकों व्यवस्थाएँ की हैं और मुझे खुशी है कि आज सिनेमा आम लोगों के लिए मनोरंजन का पहले से ही एक उत्कृष्ट साधन रहा है और जन जागरण का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। आप सब लोग समाज के वो प्रतिनिधि हैं, जो सिनेमा में होता है धीरे धीरे वो सब जगह होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, देखिए एक बार वो दहेज फिल्म आ गई, कि दहेज एक कुप्रथा थी तो दहेज में कानून बन गया, डकैती में कानून बन गया, दूसरी चीज़ों में कानून बन गया। जो फिल्म के लोग करते हैं, फिल्म सिनेमा हमारे समाज का दर्पण है, आईना है, और इस दृष्टि से भी मुझे लगा कि आप सब लोगों के बीच में मुझे आकर अपना निवेदन करना है। बहुत ज़्यादा न कहते हुए एक बार फिर से आप सभी का मैं दिल से बहुत आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबको आमंत्रित करते हुए कि 8 और 9 दिसंबर को, 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको वहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे को उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए और पूरे देश भर दुनिया भर से जितने भी हमारे इन्वेस्टर समूह, इंडस्ट्री के लोग, अन्य समूह के लोग वहाँ पहुँचेंगे, उन सभी के बीच में अपना आशीर्वाद देने के लिए वह भी वहाँ आने वाले हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड को देखेंगे, जानेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।